आज मकर संक्रांत है और जो है बिना नहाए जो है किसी को खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें बाबू भी शामिल है, इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको तो तेल मालिश हो गई है, ठंड बहुत थी तो नहा नहीं पाया है, और गर्म पानी से कपड़े से देह पोंछ दिया गया। तो सबसे पहले यही जो है छुएगा और उसके बाद जो है इसको दूध पीने को मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। ठंड में कैसे नहा पा रहे हैं मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मुझे भी नहाना पड़ेगा। आज धूप निकल गई है थोड़ी सी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मकर संक्रांति, सूर्यदेव आज धरती पे आएंगे। अब आज से लगन जो भी चीज़ होती है शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग सब लोग नहा लिए हैं, मम्मी गई हैं नहाने और ये बाकी हैं, मैं नहा चुकी हूँ, पापा भी गए हैं नहाने। तो अब जल्दी जल्दी से हम लोग दान करेंगे। इसमें तिल का दान महत्वपूर्ण होता है, उसे ज़रूर दान करनी चाहिए, उससे सारे रोग जो भी चीज़ें वो कटित हो जाते हैं, जो भी दोष हैं। तो हम सोच रहे हैं बाबू को भी दान करवा दें। छोटा सा बाबू अपना मकर संक्रांति मना रहा है। ये देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 यही बोल के दान करते। छू दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, छू दिया, गिरा दिया। ये लो। इसका भी देह पहुंच दिया गया है गरम कपड़े से। ये भी जो है मकर संक्रांत मना रहा है पहली बार। मना रहे हो ना गप्पू पहलवान? पहलवान गप्पू। अब हो गया ना, अब दूध मिल जाएगा, अब दूध पीने को मिल जाएगा इसे भी। तुम भी छू लो जाओ। हाँ मैं तो पहले ही छू रही, तभी तो इसे करा रही हूँ ना। अब बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान का नाम लेकर तभी इसको दान करते हैं। तो बाबू अभी बहुत सारा दान कर दिया। हाँ बाबू भी दान कर दिया, बाबू भी दान कर दिया, मेरा राजा बेटा। अब मम्मी जा रही है नहाने, सुबह से सब सामान इकट्ठा कर रही थी दान पुण वाला, इसलिए लेट हो गए। और एक हमारे यहाँ भदही है, वो छुप रहा है, वो नहीं नहाएगा। अच्छा वो पहले ही नहा लिए। अच्छा नहा लिए, कुछ नहीं नहाया है। रहा हूँ दोस्तों मैं, नहा लूँ, बहुत ठंड है, इतनी ठंड में कैसे नहाया जाए, यही चिंता का। बहुत ठंड है, नहाने के बाद बिल्कुल ठंड नहीं लगती, उससे पहले तो बहुत लगती है। दोस्तों मैं भी नहा लिया, अब जो है थोड़ी धूप भी निकल आई है तो नहाने में आसानी हो गई, वरना नहाना बड़ा मुश्किल था। और अब जो है हम लोग भी दान पुण वाला सामान छू लेंगे, उसके बाद जो है कुछ खाने को मिलेगा। मम्मी भी नहा ली हैं। और क्या बन रहा है खाने में आज? खाने में तो दही चूरा ही खाते हैं, सब्जियां होती हैं वैरायटी वैरायटी की। ये देखिए यही जो है छुआ जाता है, इसमें तिल होता है, दाल होती है, उड़द की दाल है, एक पैसा है, ये दाल चावल आलू, ये बिस्कुट भी है, तिल भी है, हरी मिर्च भी है। नहाना सबसे जरूरी है, उसके बाद ये छूना होता है। और ये कहाँ पंडित जी को चला जाएगा, पंडित जी को दान में ले आएंगे, मंदिर में रखेंगे। पापा अभी तक नहीं नहाए हैं, सुबह से इसी को पकड़े हुए थे तो इसीलिए जो है नहीं नहाए। और ये भी है कि आज सो नहीं रहा, जगा हुआ है, अभी तो उठा था, सूतल लग रहा, अब जला देता हूं। यही दान किया है ना घर से। आज बन रही है आलू की सब्जी, आलू गोभी की दम बन रही है, आलू गोभी दम और काशी फल की, और काशी फल, और उसके साथ क्या हो रहा है, चूरा दही, चूरा दही, चूरा चुड़वा दही, और चीनी गुड़, और लाई लाई भी खाते हैं, गजर तिल की लाई और गजर।
ओम विष्णु भगवान, 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 सबको हाथ लगाएं और विष्णु भगवान को प्रणाम करें और ये आपने छू लिया। आप जो है आप एलिजिबल हैं आज खाने पीने के लिए और सारे कुछ भी काम करने के लिए। सबसे पहले नहाना और ये छूना, उसके बाद ही जो है कोई काम जो है आप कर सकते हैं, खाने पीने या कुछ भी नया शुभ काम जो भी है आज के बाद फिर से शुरू हो जाता है। क्या क्या किए दान पुण्य? इसमें है गजक, टमाटर, आलू, बिस्किट, द्रव्य, मिर्च, ये आपका चावल, चावल और उड़द दाल, दाल ये है पूरा। तो ये और ये सब पैक होके आप पंडित जी को दे दिया जाएगा। चलिए आप लोग भी सूर्य भगवान को नमस्कार करो। आज से सूर्य भगवान जो है उत्तरायण हो गए और सारे देवता जो हैं पृथ्वी पर आज आए हैं। सूर्य भगवान खास करके शनि देव के घर में आए हैं उनके यहाँ, तो इसीलिए शनि देव जो है उनके घर में कुछ नहीं बचा था, खाली तिल बची थी काली वाली, तो वही तिल जो है सूर्य भगवान को उन्होंने स्वागत के रूप में ऐसा कहिए स्वागत किए खाने पीने के लिए, वही चीज़ बचा था वही दिए। तो सूर्य भगवान जो है खुश हुए और उनको जो है वरदान दे के गए। आज के दिन शनिदेव की भी पूजा हो जाती है तो भगवान खुश रहते हैं और सारे जीवन सुखमय बीतता है सब लोगों का। आज से है साल सबकी मंगलमय हो। तिल की पट्टी है, पट्टी नहीं रोटी। अच्छा रोटी चपाती। ये लीजिए, मुंह जूठा कर लीजिए। खाली जूठा करना है कि पूरा खा जाना है? पूरा ही ले आई हूँ, जो मन है वो कर लीजिए। दे रही है ए, उसे नहीं। आज के दिन जाए दादा। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। अब इसका अन्नप्राशन बाकी है मम्मी, सब मत खाइएगा, ज्यादा मीठा है। अच्छा अच्छा काहे नहीं खाइएगा, शादी का थोड़े है कि थोड़ा खा के छोड़ दो। ले जाओ अपनी रोटी, हो गया। क्यों पूरा खा जाइए। छुआ था दान बन था वो पंडित जी को दे आए और उसके बाद जो है खाना पीना खाया जाएगा, खाना पीना ग्रहण किया जाएगा और आज से जो है नए काम शुभ काम जो है वापस रिज्यूम हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। दिसंबर में बंद रहते हैं, दिसंबर से लेके जनवरी तक। देखिए खाना पीना चल रहा है। हो गया दोस्तों, आज खाते हैं। देखिए ये है चूड़वा, ये है दही, उसके साथ चीनी, गुड़, एक काशी फल की सब्जी और ये जो है ढेर सारी आलू और गोभी की, दम आलू की सब्जी आप मान लीजिए। तो यही खाते हैं और इसको खा के मैं बताता हूँ कैसा लग रहा है। इस साल भर में एक ही बार ये खाने को मिलता है, वैसे जब मन चाहे खा सकते हैं लेकिन इस टाइम खाना चाहिए यही। ये मिलाया आपने, ऐसे भी मिला सकते हैं। भूख लगी हो तो लजीज लगता है कुछ भी, तो ऐसे ही खा के मजा आ गया। और ये जैसे ज्यादा मीठा हो गया तो उसके बाद आप सब्जी को डायरेक्टली अलग से खा सकते हैं। तो यही खाते हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए, खाइए पीजिए, तब तक मैं भी खाता हूँ। दोस्तों धूप निकली हुई है, सब लोग धूप ले रहे हैं और ये भी धूप में सोया हुआ है अपना, लेकिन हवा चल रही है ठंडी ठंडी थोड़ी सी। कुर्सी डाल के सब लोग बैठे हुए हैं खा पी के। संडे आज का अच्छा है कि धूप अच्छी निकल गई है। देखिए दोस्तों शाम हो गई और ये भी उठ गया है और सब लोग जो है भूंजा खा रहे हैं। यही दिल्ली के डाबरी मार्केट वाला भूंजा है। और आज खिचड़ी का दिन है तो आज खिचड़ी बनेगी, मकर संक्रांति को खिचड़ी भी बोलते हैं। खिचड़ी इस वजह से खिचड़ी बनती है ना? हाँ खिचड़ी पसंद नहीं है, खिचड़ी मत बनाना। दोस्तों सुबह धूप निकलती है और शाम में उतनी ठंड बढ़ जाती है, लगता है आगरा भी मरुस्थल है। दिन में गर्मी और शाम को जो है नहीं देख लो।
कहाँ था बाबू हमारा, कहाँ था हूँ हमारा बाबू, कहाँ था हमारा आज की डेट में नहीं है, कहाँ था चावल बनता भी नहीं है, कहाँ था बाबू हमारा, कहाँ बुआ से मिलने गया था, कहाँ गया था बाबू हमारा, खिचड़ी मनाया पहली बार बाबू हमारा खिचड़ी देखा हाँ, लेकिन खाया नहीं, सबको दे दिया हाँ सब, हाँ सबको खिचड़ी बांट दिया, खुद नहीं खाया हाँ, राजा बाबू है ना, बांटने में तेज है हाँ, चिड़िया को दे दिया, काऊ को दे दिया, सबको दे दिया, सबको खिचड़ी दे दिया, कैसे दिया, कैसे कैसे दिया बाबू, सब लोग लगे हुए हैं पोंटी कराने में, दो तीन दिन पे एक बार पोंटी करता है ये, सब लोग पोंटी करा रहे हैं, पूरा भर दिया, बदबू आती है पोंटी से। ये दोस्तों खिचड़ी बनी है रात में, कैसी है खिचड़ी? खिचड़ी अच्छी है। ये किस चीज की है? उड़द के दाल की, उड़द की दाल, अदरक और चावल चढ़ता है कुल देवता को, वही प्रसाद के रूप में आज बनाया जाता है, वही ग्रहण करते हैं। वैसे तो लोग बोलते हैं कि रविवार के दिन और मंगलवार के दिन खिचड़ी नहीं बनती, लेकिन आज प्रसाद चढ़ा है तो ये मान्यता आज के दिन रद्द रहती है, चाहे मंगल हो चाहे रविवार हो, बनाते जरूर है। दोस्तों रात हो गई है और अभी रात के 11 बज रहे हैं, अभी भी ये नहीं सोया है, तो इस वीडियो को जो है यहीं खत्म करते हैं। मकर संक्रांति आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज से सारे नए काम आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू आप सभी लोग, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो जरूर करिए। मकर संक्रांति।